बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सईद टॉक्स। आज मैं बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स हॉट 11 प्रो के बारे में दोस्तों, कि पाकिस्तान में कब आने वाले हैं, क्या होगी इसकी प्राइस, क्या होगी इसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशन, तो सब आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर आप इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है यार तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली मरतबा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स हमेशा की तरह मिलती रहे। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो मज़े की बात यह है दोस्तों कि इस मरतबा इन्फिनिक्स हॉट 11 प्रो में जो डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा दोस्तों, यानी कि जो डिस्प्ले यूज़ किया जाएगा स्मार्टफोन में वो एमोलेड होगा दोस्तों, यानी 6.67 इंचेस के आपको एक फुल HD प्लस डिस्प्ले यानी कि एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, जो कि इन्फिनिक्स IPS पैनल से हटकर यहाँ पर मेरे ख्याल से एमोलेड के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन्फिनिक्स जी दोस्तों वो वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, अपने ऑडियंस के लिए कुछ नया करने की सोच रहा है। अगर डिस्प्ले बेहतर हो सकती दोस्तों, क्यों ना यहाँ पर जो है वो चिपसेट को ये लोग बेहतर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रूमर्स एंड लीक्स कोरिंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिली। अब ऐसा भी बताया जा रहा है दोस्तों कि शायद यहाँ पर आपको कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल सकती है। अब अगर 5 की प्रोटेक्शन है दोस्तों तो वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि डिस्प्ले वाइज भी एक स्मार्टफोन अच्छा बेस्ट है दोस्तों, और डिस्प्ले भी यहाँ पर एमोलेड है दोस्तों। तो फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा इन्फिनिक्स हॉट 11 सीरीज दोस्तों। अब अगर इसके चिपसेट के बारे में बात करें दोस्तों तो अकॉर्डिंग टू रूमर्स एंड लीक्स मीट एंड हिलियो G95 का चिप मिलेगा। 8GB रैम 128GB की बिल्ट इन स्टोरेज के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। 8GB रैम 128GB बिल्ट इन स्टोरेज मीट एंड हिलियो G95 बेस्ट ऑप्शन है मेरे भाई, यानी कि गेमिंग के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ये स्मार्टफोन किलर होने वाला है। अब अगर इसकी क्वाड कैमरा सेटअप के बारे में बात करें, अब इसकी जो बैक के ऊपर डिजाइन है दोस्तों, कैमरे की जो डिजाइन है वो Redmi Note 10 लाइक, मतलब कि Redmi Note 10 सीरीज दोस्तों उसी की तरह ये डिजाइन जो है वो बनाई गई है। मेन सेंसर की बात करें 64 MP तक आपको मेन सेंसर मिल जाएगी, 8 MP मैक्रो और 5 MP 2 जो है वो मैक्रो शॉट के लिए मिल जाती है। फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा की बात करें तो 32 MP तक आपको फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाती है। अब अगर बात इसकी बैटरी की बात करें, चार्जर की बात करें दोस्तों, तो 33 वाट की फास्ट चार्जर विद 6000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, यानी कि बैटरी भी बहुत बड़ी है। एक गेमिंग प्रोसेसर है यहाँ पर, मतलब कि वेरियंट्स को भी अच्छे यहाँ पर रख दिया है, डिस्प्ले भी बहुत क्लियर है दोस्तों। तो अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू रूमर्स एंड लीक्स ऐसा बताया जाता है कि इसकी जो प्राइस होगी इन्फिनिक्स हॉट 11 प्रो की जो प्राइस होगी दोस्तों वो लगभग 35 से 40 हज़ार के अराउंड होगी दोस्तों। अब 35 से लेकर 40 हज़ार के अराउंड अगर ये स्मार्टफोन आता है दोस्तों तो एक किलर डिवाइस होगा। एमोलेड मीडियर हिलो G95 और 8128 वाली स्टोरेज दोस्तों, 6000 mAh बैटरी और 33 वाट की फास्ट चार्जर भी टाइप सी की कनेक्टिविटी बेस्ट ऑप्शन रहे दोस्तों एक गेमिंग की परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए। अब आप गेमिंग लवर हो तो इस स्मार्टफोन का वेट कीजिएगा, मार्च के एंड में आने वाला है, बहुत ही किलर स्पेक्स के साथ आने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद उसे लाइक कीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली मरतबा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको इस तरह के अपडेट्स हमेशा की तरह मिलती रहे। तब तक के लिए हाफिज़ को याद कीजिएगा, बाय बाय, लव स्टेकर पाकिस्तान, जिंदाबाद।